स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायरी विद हब से में। देखिए इसमें कुछ नई अपडेट आई है ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम के वेबसाइट पे, दैट्स मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे। और आपको जो टाइम टेबल पे ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाई जाएगी, जो खंड आवंटन होगा, उसमें कुछ नई अपडेट निकल के आई है। तो वेबसाइट के थ्रू ये पूरी PDF हम डाउनलोड की है और सारे एक एक प्रोसेस को यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को देखते हैं पूरे आगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट पे ये नई लिंक मतलब PDF अपलोड की गई है और इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ से देख लेते हैं, इस पर विषय में है सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या वही 15/3/2016 के अंतर्गत ये चयनित नलकूपों के खंड आवंटन के संबंधित में सूचना प्रदर्शन में है। और यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश नलकूप और चालक खंड आवंटन प्रक्रिया। देखिए ये जो मेन चीज़ है वहाँ पे जो होना है वो सब है, इसलिए इन सब चीज़ों से आपको पहले अवेयर रहना है। अभ्यर्थियों को ग्रेडेशन लिस्ट की क्रमांक सूची के अनुसार सभागार में निर्धारित सीट या स्थान पर बैठाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपना ग्रेडेशन सूची क्रमांक उद्घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भरे गए ऐच्छिक विकल्प के क्रमानुसार खंड में उपलब्ध अवशेष रिक्तियों के आधार पर खंड आवंटित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुसार खंड आवंटित हो जाने पर खंड आवंटन प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा एवं सभागार से अवमुक्त करा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपकी खंड आवंटन की प्रक्रिया है उसी दिन आपको छोड़ दिया जाएगा वहाँ से। और अभ्यर्थी इस आवंटन प्रमाण पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेखों के साथ में आवंटित खंड में नियुक्ति की औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु संपर्क करेंगे। ये जो आपको खंड आवंटित होगा, खंड आवंटन की प्रक्रिया के दौरान खंडों में रिक्तियों का बड़े स्क्रीन पर निरंतर प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स ये है कि जो प्रेफरेंस है आपकी, जो आपको च्वाइस चाहिए वो 1, 2, 3 विकल्प आप भर दीजिए, अदर जो चाहिए वो आपको कहीं पर लिखे रहिए। आप वहाँ पर जो रिक्त सूची स्क्रीन पर शो की जाएगी उसके अकॉर्डिंग भर के फिर जमा करना है आपको। प्रतिदिन खंड आवंटन की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व खंडों में अवशेष रिक्तियों की सूचना प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आगे देख लेते हैं कुछ और जरूरी चीज़ है इसमें। देखिए ये है ग्रेडेशन लिस्ट के अनुसार क्रमानुसार अभ्यर्थियों के पंजीकरण 10 पटल होंगे। ग्रेडेशन लिस्ट खंड आवंटन स्थल पर 4 अलग स्थान पर प्रदर्शित चस्पा कर दी जाएगी, जो आपको PDF के थ्रू मिला हुआ है। अभ्यर्थी के परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र, ठीक है, पहचान पत्र मतलब ID कोई भी होगा, सत्यापन व ऐच्छिक विकल्प हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्ताक्षरित एवं पूर्णतया भरे हुए प्रारूप 1 और प्रारूप 2 जो PDF में आपको मिला है, ठीक है, संकलन का कार्य प्रत्येक पटल पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को पंजीकरण के उपरांत पंजीयन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति खंड आवंटन हित निर्धारित स्थल पर उपस्थित होंगे। तो ये पूरी डिटेल थी, वहाँ से एक दिन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट जो पंजीयन प्रमाण पत्र क्रम है वो भी मिल जाएगा और उसी के साथ सीधे जाके आपको अपने खंड में जो मिला होगा, जो अलॉट किया गया, वहाँ से सूचना मतलब इंफॉर्मेशन लेके सारी चीज़ फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाना है। तो मतलब पूरी बेस तरीके से हो जाएगी, खंड पे ही आपका ये प्रोसेस होने पर सीधा आपको खंड में जाना है और वहाँ से पूरी प्रक्रिया करवा जाएगी। 10-15 दिन के अंदर सारी चीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेट ही और आयोग की वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए। जो मित्र नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक वैकेंसी रिलेटेड यहाँ अपडेट दी जाती है, साथ ही साथ फ्री क्रैश कोर्स चला जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।